तो बाजार हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर की आगजनी और हिंसा के मामले में 30 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और अब तक कुल 150 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी आरोपियों को अलग अलग जेलों में भेजा गया। अभी भी लगभग 200 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की दस्ती में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी है। आगजनी और हिंसा के मामले में 30 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और अब तक कुल 150 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी आरोपियों को अलग अलग जेलों में भेजा गया। अभी भी लगभग 200 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की दस्ती में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अंबिकापुर में बेटे ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। पिता की बेरहमी से पिटाई करके हत्या कर दी गई। बार बार खाना मांगने पर पिता को पीट दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग पिता जो कि खाना मांग रहा था और बेटे ने खाना नहीं दिया, लेकिन अपने पिता की जमकर पिटाई कर दी और बेरहमी से पीट पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। अंबिकापुर का ये पूरा घटनाक्रम है जहाँ बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को पीट पीट कर मार डाला। दुर्ग में पति ने की पत्नी की हत्या, बाद में खुद ने भी फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी। दुर्ग जिले के खोपली गांव की पूरी घटना बताई गई है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद बना कारण, बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पति ने पत्नी की हत्या की और बाद में खुद ने भी फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी। दुर्ग जिले के खोपली गांव की पूरी घटना बताई गई है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद बना कारण, बड़ी खबर दुर्ग से। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत खोपली के खार में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हिंगल बंजारे के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके धारदार हथियार से हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंच के मर्ग इंटीमेशन लेके फिर जांच की जा रही है। अभी जांच में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है। मर्ग जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। दोनों मृतक का सर बैकग्राउंड होगा। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने बारिश से पहले रेत माफिया के एक्टिव होने की खबर दिखाई थी। बारिश से पहले रेत माफिया ने बड़ी मात्रा में रेत का अवैध स्टॉक जमा कर लिया है। खबर दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग नींद से जागा। खनिज विभाग के अफसर उस जगह पहुंचे जहां माफिया ने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध स्टॉक जमा कर रखा था और इससे विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हजारों टन अवैध रेत जमा कर लिया गया। विभाग ने रेत खदान से एक चेन मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। सीएम साय आज भी करेंगे विभागों की समीक्षा, जहां 3 दिवसीय विभागों की समीक्षा बैठक का अंतिम दिन है। आज पीएचई सहित गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा की जाएगी। पीएचई मंत्री अरुण साव और गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। दुरुस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा होगी। अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक, जहां चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आज जाएंगे रायपुर। कल कोर कमेटी, क्लस्टर प्रभारी और लोकसभा संयोजक और सह संयोजकों की बैठक लेंगे। कल दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक लेंगे। कल शाम 4 बजे सांसदों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर आने वाले हैं और कल कोर कमेटी, क्लस्टर प्रभारी और लोकसभा संयोजक और सह संयोजकों की बैठक ली जाएगी। और चलिए अब देखेंगे।